हाथरस हादसे को लेकर हर दिन एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। हाथरस में हादसे के पीछे की वजह क्या थी, इसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में चश्मदीदों से लेकर गांव वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे इस हादसे के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके। इस बीच हाथरस हादसे के 5 दिन गुजर जाने के भगदड़ के पीछे जहरीली गैस वाले स्प्रे की थ्योरी सामने आ रही है। इस मामले में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। वहीं नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने भगदड़ के पीछे चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ के बीच कुछ लोगों के हाथ में बोतल थी, जो पानी की बोतल जैसी दिख रही थी, लेकिन उसमें जहरीली गैस भरी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके कुछ चश्मदीद गवाह भी हैं। वकील एपी सिंह ने कहा कि हमारे पास ऐसे गवाह हैं जिन्होंने ये बोतलें देखी थी। गवाह ने बताया कि उनके परिवार वाले भी वहाँ मौजूद थे। गवाह ने बताया है कि पहले उन्होंने समझा कि ये पानी की बोतल है, लेकिन उससे कुछ और निकल रहा था। 3 लोगों ने इस बारे में बताया है। उनके परिवार की महिलाएं भी हैं जो बेहोश हुई थी और बाद में समझी। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई, फिर भी प्रशासन ने बचा ली। ये और अधिक मौतों की संख्या बढ़ती, क्योंकि लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके, स्प्रे को उल्टा करके ऐसे जिससे तेजी से निकल सके डाउन में, और ऐसे हाथ से दबा हुआ, और वो भागते रहे, गिराते रहे लोगों को, भागते रहे। पीछे से जो प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने बताया कि भागते समय एकदम थोड़ी देर में ऐसा होता था महिलाओं के साथ, एकदम अपने आप गिर जाती थी, और गिर जाती थी, नीचे गिर जाती थी। गिरने के बाद कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई अधमरा हो रहा है, किसी की सांस छूट रही है। और इसीलिए जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। मृत्यु का कारण हार्ट बीट नहीं रुकना है, मृत्यु का कारण इंजरी नहीं है, मृत्यु का कारण खून निकलना नहीं है, मृत्यु का कारण कटना पिटना नहीं है, मृत्यु का कारण गला सांस रुकने से, सांस एकदम रुकी, जहरीली, वो जहरीली और नशीली स्प्रे थे जिनको यहाँ लगाया गया, लगा के किया गया। और वो लोग भागते भागते भागते, जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, यहाँ गाड़ियां खड़ी थी काली स्कॉर्पियो और सफेद स्कॉर्पियो और कुछ और आगे गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जाकर फटाफट बैठे हैं, बैठते देखा गया है। क्योंकि कोई घटना होने के बाद कोई ऐसे एकदम बैठेगा, इससे मतलब भागना चाहता है, भागना चाहता है। और उनमें से एक की ऐसे आइडेंटिटी हुआ कि एक की गिर गई, वही इतनी बड़ी जो बोतल थी जो स्प्रे की, वो गिर गई, फिर उन्होंने उठा के फटाफट उसको उठाई और उठा के फिर वो भागे हैं। वो ये बात महिलाओं से जब मैं मिला हाथरस मैनपुरी एटा अलीगढ़ के अस्पताल में, उन्होंने कहा एकदम ऐसे भाग रहे थे लड़के, और उनका भागने का स्प्रे चल रहा था, पीछे से जा रही थी उसका, और वो लोग मर रहे थे और गिर रहे थे, क्योंकि तुरंत तो गिरे हैं, तुरंत उस पर मरने का नहीं था, गिरते गए और उसके बाद उन पर चढ़ते गए लोग, मरते गए। क्योंकि उन्होंने तो क्या, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी की कुछ नहीं होगी। हाँ गवाह है इसके, वो मौके पे देख रहा था और उसके परिजन भी थी, उसने अपनी माँ को संभाला, माँ ने भी उसको बताया इसी तरह, उसने भी देखा खुद। वो पहले समझे क्या, उसने कहा मैं समझा पानी की बोतल, जैसे थर्मस होता है पानी का, फ्लास्क होता है, इसी तरह एक होता है कलर्ड पानी की बोतल होती, यही साजिश। तो उसके साथ कुछ निकल रहा था, इस तरह से निकल रहा था साफ सीधे पानी की बोतल जैसा, उन्हें लगा लोग पकड़ लेते हैं पानी की बोतल गर्मी में, ठीक वैसे लग रहा था, लेकिन वो इस तरह से। नहीं टोटल मतलब वहाँ समझिए, उस वहाँ से रेडियस में यहाँ तक, ये तीन लोगों ने तो हमें बताया, और उनकी परिवार की महिलाएं हैं जो खुद बेहोश हुई, संभली, जो बेहोश हुई और संभली, कुछ संभल गई, आंखों में एकदम लगा, एकदम डगमगा गई, कहीं इतना जहरीला था तगड़ा कि एक बार सांस गई, मतलब उसका असर इतना था, जहरीला इतना था कि एक बार सांस गई, फिर मैं कहीं दूसरी सांस नहीं ले पाई और गिर गई। बिल्कुल बयान दर्ज कराएंगे, लिखित में देंगे, कंप्लेंट देंगे, एसपी साहब को देंगे, एसआईटी को देंगे, सभी जांच एजेंसी को देंगे। भोले बाबा के वकील एपी सिंह के इन दावों से एक बार फिर से हाथरस हादसे के पीछे साजिश की बू आ रही है, लेकिन फिलहाल तो इस मामले में जांच जारी है और जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या ये महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। टाइम्स रौनक भारत डिजिटल की रिपोर्ट।